और ये चीज़ नुकसान दे सारी, क्योंकि देखो ना सारे इसके पत्ते जले पड़े हैं सर्दी की वजह से। इसको खेलने भी नहीं आता फिर भी पंगे ले रहा है। ये देखो कब से ट्राई किए जा रहा है, किए जा रहा है इसको। इतनी ज़्यादा सर्दी है, इनर साइड का जो पानी है उसका भी इन्वायरमेंट के साथ ना कंपनसेट नहीं हो रहा, इसलिए गर्म गर्म पानी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होगी। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा दें, देन आगे व्लॉग को कंटिन्यू करें। और कल हमने जो पपी का हाउस बनाया था, अगर आप में से कुछ लोग नए हैं इधर तो उन्होंने व्लॉग नहीं देखा, तो इससे पीछे वाला व्लॉग जाके चैनल पर देख सकते हैं। उसमें बहुत ही मज़े का हमने वो बनाया हुआ था, सिंपल सा छोटू सा इंटो का, और वो थोड़े बहुत गर्म गर्म जो प्राइल टाइप है उसका बनाया हुआ था हमने थोड़ा सा छोटू सा घर, और जो कि बहुत मज़े का बना था। और पपी ने रात को उधर बड़ा मज़े का अपना खुद का स्टे भी किया था। तो खैर आज का व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। नहीं, आजकल चार पाँच दिन में सर्दी पड़ रही है ना, तो पाकिस्तानी वाम का हाल इन कद्दुओं जैसा हो गया। जिस तरह सर्दी ने इन कद्दुओं का हाल किया वो उसी तरह बिल्कुल पाकिस्तानी वाम का हाल हुआ, बड़ा उनमें हम लोग भी इंक्लूड हैं। तो भाई सर्दी वाकई बहुत ज़्यादा है आजकल, तीन चार दिन से अचानक ही पता नहीं इस तरह ना कोई एकदम से ग्लेशियर पिघला है तो ऐसा काम होना शुरू हो गया, पता नहीं क्या हुआ। वो इतनी दूर से सिर्फ हम इस अमरूद के लिए इधर आते हैं, ये रेड वाला, इसके दो से तीन दरख्त हैं इधर और मस्जिद नहीं है, तो इतनी दूर से हम आते हैं, डेली आते हैं। जो कोई भी हम छोड़ के आते हैं ना कि यार आज ये कच्चा है कल पक जाएगा, सुबह वो मिलते ही नहीं हमें, मतलब के जो अमरूद तोड़ने वाले आते हैं ना सुबह वो सारे उतार के ले जाते हैं। अभी ये मिला हमें कच्चा पक्का, तो और है ये मज़े का मीठा, लेकिन कल दो तीन छोड़ के गए थे, एक भी नहीं खड़ा आज, पता नहीं ऐसी किस्मत है। ये दान खा लो। सर्दी ज़्यादा तब फील होती है जब मतलब कि ज़्यादा तेज़ हवा चलती है। ये उस दिन वाली बॉल है जो हमारी उस दिन गुम हुई थी, और आज एक वीक बाद मिल गई है वो, इसलिए क्योंकि वो घास वगैरह काटने गए हैं ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो उस दिन गुम हो गई। हम तकरीबन इतनी देर तक ढूंढते रहे थे, हमें मिल नहीं थी, और फाइनली वो आज बॉल हमें मिल गई। अब दोबारा इसके साथ खेलेंगे और आज चांस नहीं लेंगे इसको गुम करने का। भाई जितनी आज सर्दी पड़ रही है ना, ये देखो मतलब ये कितनी हवा चल रही है, पत्ते किस तरह से ऐसे उड़ रहे हैं, वाकई इतनी सर्दी आज है ना, मतलब कि इतनी ज़्यादा सर्दी कि मैं सुबह से खुद मैं तकरीबन 2 बजे ऑलमोस्ट लेटा हुआ था, और 4:30 बजने वाले हैं और अभी जाके बाहर निकला, इतनी ज़्यादा सर्दी है। और ये देखो मोटर में से किस तरह मतलब कि ना पानी भाप बन के निकल रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी है, इनर साइड का जो पानी है उसका भी इन्वायरमेंट के साथ ना कंपनसेट नहीं हो रहा, इसलिए गर्म गर्म पानी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी, इसीलिए अभी थोड़ा सा बाहर आए हैं, थोड़ा सा व्लॉग तो बना ले और आपको भी थोड़ा सा बाइक एनवायरनमेंट दिखा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस, इसलिए हम आए हैं। सर्दी में चलो क्रिकेट वगैरह खेल ले बंदे को तो समझ आती है, लेकिन इस बंदे को कीड़ा आया हुआ है वो खेलने का, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। और अभी इधर गुल्ली गुम कर दी है इसने, पता नहीं किधर पड़ी है। मैंने गुम नहीं किया, अच्छा मैंने गुम किया ना, तो फिर ये पड़ी आँखों के सामने, चीज़ पड़ी भी हुई मुझे नज़र नहीं आ रही, आँखों के सामने पड़ी थी इस बंदे के, पता नहीं इसका क्या गंदा दिमाग। और सर्दी में ये गिल्ली डंडा खेला, और इवन के जब ये हवा में होती है ना बंदा इसको कैच करने की कोशिश करे वो विंटर्स में, तो यार जो हाथ के ऊपर लगती है ना, वो मेरे अभी लगी है, वो यकीन मानो इधर मैंने अभी, क्योंकि वो डंडा छोटा था और ये गिल्ली बड़ी, तो जो इसने पुल बैक फोर्स किया ना डंडे के ऊपर, वो मेरे हाथ ऐसे एक दफ़ा ना झटका लगा हैवी वाला, तो इसीलिए मैं इसको फेंकूँगा दूर के ना इसके काम की रहे ना मेरे काम की रहे, क्योंकि चीज़ जब तक बंदे के पास होती है बंदे को पंगे आते रहते हैं, जब चीज़ नहीं होती फिर बंदा कहता है चलो छोड़ोगे, अब है नहीं तो पंगे किस चीज़ के लेंगे। अभी मेरे साथ 5-6 मिनट हो गए बंदा बहस कर रहा है कि मुझे दे दो गिल्ली, एक शर्त पे मैं दूंगा, मंजूर है। ये सारी खड़ी हैं मूलियाँ, कोई अच्छे से वाली कोई बड़ी सी अच्छी सी मूली मुझे तोड़ के दे दो, बारीक ना हो, अच्छी मोटी मूली अच्छी हो, जो मतलब कि सही मीठी भी हो खाने के लिए। पहले उनको ना इस तरह करके देख ली, पहले इस तरह करके देख ली, इस तरह मतलब कि ना पत्तों को साइड पे हटा के देख ली, जो सबसे बड़ी मूली होगी ना अच्छी होगी उसको बाहर निकाली, उससे पहले मुझे दिखा ली, अगर मैं कहूँगा हाँ ये ठीक है फिर उसको निकाली, अदरवाइज ऐसे ऐसे नहीं निकालना, ठीक है। ये कौन सी वाली, ये और नहीं है बारीक बारीक सी, ये नहीं ये नहीं, हाँ उस तरफ बड़ी है लेकिन उस तरफ से नहीं, उस तरफ की बात नहीं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ अदनान, इस तरफ की बात हुई है, मैंने उस तरफ की माननी नहीं है, जो मर्जी करते रहो, इस तरफ से ढूंढोगे ना 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 ना, इस तरफ से ढूंढोगे तुम, अभी उस तरफ ढूंढ रहे लेकिन हमने वो माननी नहीं है। कद्दूओं का माल दिखाता हूँ क्या हुआ पड़े, जब ये कद्दू का हाल, ये बूम
अब इसका इसका बनेगा यार। ये क्या, क्यों उठा के लाए हो? ये देखो, ये साइड पर, ये यार ये टूट नहीं जा, पता नहीं क्या चक्कर है। साइड पर ना इसको तोड़, साइड पर इसका बीज निकालते हैं। ये चम तेरी ऐसी की तैसी, ये टूट गया, टूट गया, नहीं टूटा फिर भी, ये टूट गया, टूट गया। ओह हाँ, साइड पर, साइड पर इसी तरह निकालता हूँ इसको। ये तेरी, निकालना निकालना, छोड़ दो। मेरे हाथ पे लग गया उल्लू कहेंगे, मेरे भी लगा है मेरे को। अच्छा एक साइड उसको तुम खींचो, इसको मैं खींच दूँ। ओ हाँ निकली गया, हाय 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 हाय। यार जो ओवरसाइज कद्दू होते हैं इनका हलवा भी वहाँ बनाती है, आपको शायद नहीं पता, मैंने सोचा आपको बता दूँ, इनका हलवा भी बनता है वैसे। क्या बात, ओ वाह। अच्छा अब मेरे ख्याल में शायद इसको गोली देनी चाहिए, ये लो, और इसको अब लेके जाएंगे घर और मजे से इसको खाएंगे। एक होता है ना बंदे को खेलना आता है, चलो उसके समझ में आती बात, इसको खेलना भी नहीं आता फिर भी पंगे ले रहा है। ये देखो कब से ट्राई किए जा रहा है, किए जा रहा है, इसको लग ही नहीं रहा। इतना नहीं तरह भाग के, एक मजे की चीज़ दिखाऊँ, भाग के भाग के, इतना नहीं तरह। अच्छा ये पढ़ना, मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ एक मिनट। अच्छा मैं एक मजे की चीज़ दिखाता हूँ आपको, जो कद्दूओं की बेलियाँ थी वो लगी होती नीचे इस तरह। ये अब ऑलमोस्ट ठीक है, ये उतारने या नहीं? दो ये खले, दो। मैं वही दिखाना को, चुप करो। ये देखो माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, इस तरह लग रहा है कि जिस तरह मतलब कि ना अमरूद लगे हुए, लेकिन ये बेल चढ़ी है अमरूद के ऊपर, और कितने प्यारे लग रहे हैं ये देखो यार, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। ये बेल सारी इसके ऊपर ऐसे ना राउंड ऑफ कर करके सारी ऊपर चली हुई है, इसको उतारते हैं अब। एक मिनट अदना यार, ये तो पूरी बेल नीचे आ गई। अदना इधर आना, इधर आओ, भाग जाओ यार, टूटेगा नहीं इस तरह। ये पकड़ो, इसी तरह इसको पकड़ो, एक ऐसे ऐसे पकड़ो, पकड़ो जल्दी पकड़ो। हाँ एक मिनट, यस लॉक। ये देखो उतार ली है मैंने, अब इसको लेके चलते हैं घर। घर वैसे उन्होंने क्या करने, सर्दियों में किसी काम के तो है नहीं, लेकिन ये है कि इधर खड़े हुए थे ना, तो इधर ये किसी काम के नहीं थे, हमें गिर ही जाने थे ओवर साइज होके इसको। और थोड़े से और देखते हैं शायद लगे हो। ये तो छोटू सा लगा हुआ है, पिद्दू सा, और ये भी छोटे ये नेक मेरे को छोटे छोटे से लगे। ये देखो ना सर्दी की वजह से, कोरे की वजह से ना, ये देखो सारे आगे से ना सड़ना शुरू हो गए हैं। ये नहीं है इसकी, ये देखो सारी सर्दी की वजह से इसकी सारी बेल ख़राब हुई पड़ी है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ सर्दी की वजह से। इसका तो सर्दी नुकसान करती है चीज़ों का, इंसानों का तो करती करती है, चीज़ों का भी साथ करती है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ मज़ीद, इस तरफ तो नहीं है, अब आगे चलते हैं, आगे आपको मज़ीद दिखाता हूँ मैं फिर। इस तरफ तो अभी कुछ नहीं बढ़ा, भी सारी जो बेलें हैं ना सारी अमरूदों के ऊपर चढ़ी पड़ी हैं, और ये चीज़ नुकसान दे सारी, क्योंकि देखो ना सारी इसके पत्ते जले पड़े हैं सर्दी की वजह से, और अब ये नुकसान मतलब कि जो है ना, ये इसका जो अपनी ये वाली बेल इसकी चढ़ी है, ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गई है। अभी जो उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होगा ना, वो इस अमरूद के दरख्त के ऊपर होगा, जिसके ऊपर सारी इसकी ग्रोथ हुई पड़ी है। लो जी, बस इसकी कमी रह गई थी आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग में सारे दिन मैंने इसको इग्नोर किया कि यार चलो आज इसको नहीं दिखाते, लेकिन कहीं ना कहीं से आ जाते। मैकी इधर आओ, मैकी बात सुनो, इधर मैकी लगता मूड ऑफ है उसके। मैकी इधर आओ, मूड ऑफ है, पता नहीं क्या किधर जा रही है, सूंघती आ जाती है। इसके जो स्निफिंग रिसेप्टर है ना बहुत हाई लेवल के हैं। आगे जा रही है पता नहीं किधर, अब ये सारी आगे। हाँ जैकी भी आ गई। अब ये आगे सारी टोटली बेलें लगी हुई हैं। सर्दी का तो अभी आगाज़ है, और सर्दी अभी तक तो जान नहीं छोड़ेगी, और उसने तो पढ़ने, खैर हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। अभी मैंने दो और तोड़ लिए हैं, और एक ये लगा हुआ, और ये मैंने चारों पांचों तोड़े भी दरख्त के ऊपर से ही हैं। इधर अजनाश को तोड़ना एक साइड से, हाँ इस बेल को खींच लो अपनी तरफ ज़ोर से, चलो हाँ चार पाँच छः काफ़ी ज़्यादा। अब इनको जानवरों के जा के डालता हूँ, जो तो सही सही होंगे उनको रख देंगे, और जो दूसरे होंगे उनको जानवरों को डालेंगे। और यार जो मर्ज़ी करें, अभी थोड़े से और ढूंढ के उसके बाद चलते हैं हम घर। तो अभी मैं थोड़ी सी मज़ीद देख लूँ, अगर मिलते हैं तो, अगर नहीं मिलेंगे फिर घर जाएंगे और आराम करेंगे घर जाके। आज का व्लॉग कर रहा हूँ मैं इधर ही खत्म, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।